बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज भारत का जो चंद्रयान 3 उसने लैंड किया है मून पर, बहुत बड़ी कामयाबी है। जहां पर पूरे भारत में जश्न मनाया जा रहा है, वर्ल्ड इसको बड़ी हैरत की निगाह से देख रहा है, वहां 3-4 काम तो भारत के लिए जो होने जा रहे हैं वो तो उसकी तरक्की के दरवाजे खुल गए हैं। पहले वो तरक्की याफ्ता है, लेकिन मोदी इसको पाकिस्तान पर हमले के लिए इतने बड़े पैमाने पर देख रहा है। और एक बात आप ज़हन में रखिएगा, आज के मिशन के बाद पाकिस्तान पर हमला जब होगा तो फिर एक बात आप ज़हन में रखिएगा, अगली दफ़ा शायद और ममालिक भी भारत का साथ दें और वो पाकिस्तान पर चढ़ दौड़े कि आप कसूरवार हो और आपके खिलाफ ऑपरेशन बिल्कुल ठीक है। ये मामला क्या है? देखिए, आज ये जो चंद्रयान 3 का मिशन गया है, ये साउथ की जानिब जो गया, यानी साउथ पोल की जानिब जो इसने लैंड किया है, यहाँ पर गड़े हैं और यहाँ सूरज की रोशनी पड़ती नहीं है। ये बहुत मुश्किल तरीन है, पानी है और जखायर है। अब असल में होने ये वाला है कि जितनी इंटरनेशनल स्पेस एजेंसीज हैं, बड़े बड़े ममालिक, वो भारत के साथ मिलकर अब अगले मिशन पर काम करने जा रहे हैं। अब अगले मिशन पर इन्होंने मार्स के ऊपर जाना है और दीगर इन्होंने सैारों पर जाना है। और एक और इनका प्लान है कि असल में इन सब ने इंडिया, चाइना और अमरीका, इन सब ने बनाने हैं वहाँ पर स्पेस स्टेशन। और प्लान इनका ये है कि अगली दफा जब हमने मिशन भेजना है तो हम जमीन से ना भेजें, हम मून से भेजें। अब मून से मिशन भेजने के लिए आप जानते हैं कि जितने बड़े ममालिक हैं, यूरोप के हों, इवन के यूएस के हों, कनाडा और ये बड़े ममालिक अब इंडिया के साथ कोलैबोरेट भी करेंगे, उनके साथ मिलकर काम भी करेंगे, रिसर्च प्रोजेक्ट्स पर काम करेंगे, इनकी थ्योरीज होंगी, इनके साइंटिस्ट को बुलाया जाएगा और इनके ममालिक में बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट होगी। जो मुल्क इस लेवल की तरक्की करता है उसके स्पेस प्रोग्राम में और हर जगह पर इतना पैसा लगता है, इतना पैसा लगता है कि आप सोच भी नहीं सकते। जिन्होंने कभी अमेरिका के स्पेस प्रोग्राम नासा के अंदर लगाया था, अब वही सारा कुछ, चाहे वो मीडिया की प्रोजेक्शन हो, कुछ भी हो, वो भारत के साथ लगाएंगे। अब इससे होता क्या है, ये जो बड़े बड़े ममालिक हैं वो इस वक्त भारत के हैं मोहताज, क्योंकि यहाँ पर ना तो चाइना पहुंचा ना अमरीका पहुंचा, तो वो भारत के साथ मिलकर काम करेंगे, उनके स्टेक सब भारत के साथ है। तो इस सूरत हाल में मोदी असल में इसको देखेगा अपने फायदे के लिए। हम लोग जितना मर्जी बुरा भला कहते रहे मोदी को कि वो पाकिस्तान के लिए बुरा भला है, अपने मुल्क के लिए उसने बहुत कारनामे अंजाम दिए। देखिए, आज कांग्रेस कह रही है कि जी वो मोदी का कोई काम नहीं था, वो अपनी पीआर प्रोजेक्शन कर रहा है। आप एक बात जहन में रखिएगा, अगर मुल्क का सरबराह इस लेवल का ना हो तो आप मिशन नहीं भेज सकते। ये पाकिस्तान से पूछिए ना कि हमारे साथ क्या हुआ है, हम मिशन ही भेज, तो आपको सारा क्रेडिट देना पड़ेगा मोदी को, आपको उनकी इसरो को भी देना पड़ेगा, लेकिन उसको भी देना पड़ेगा आपको। अब मोदी इसको अपॉर्चुनिटी के तौर पर देख रहा है। देखिए, इलेक्शन से पहले आज उसके वोट बैंक में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है, उसको वो 2 तिहाई में कन्वर्ट उसने करना है, उसके अंदर कन्वर्ट करने के लिए उसने पाकिस्तान पर करना है हमला। और जब पाकिस्तान पर आप हमला करेंगे तो इस प्रोजेक्ट और कामयाबी के बाद बहुत सारे ममालिक का झुकाव भारत की जानिब और हो चुका है, जिनका शायद 5-10% पाकिस्तान की जानिब था, वो भी अब भारत की जानिब। आज पूरी दुनिया में भारत भारत हो रहा है। और देखें, वो पूरे अगले साल तक उन्होंने साथ ही कह दिया है कि अब हमने अगले सैारों पर जाना है, अब हमने ये करना है, वो करना है। अब हर कुछ अरसे के बाद आपको पता चलेगा। मिसाल के तौर पर ये तस्वीर आज लॉन्च की गई हैं, ये भारत के जो चंद्रयान 3 ने तस्वीर लॉन्च की हैं और लॉन्च करने के बाद वो दुनिया को दे रहे हैं। अब वो सारे इस पर न्यूज़ बना करेगी, वीडियोज़ बना करेंगी, इसके ऊपर प्रोग्राम्स होंगे, पूरी दुनिया में भारत का इमेज पॉजिटिव हवाले से आगे जाएगा। इनके जो पासपोर्ट की वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाएगी। और जो इंटरनेशनल सतह पर साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, स्पेशली वो NRI जो इंडिया से बाहर है, वो इंडियन, क्योंकि इंडिया के अंदर आप एक ही पासपोर्ट होल्ड कर सकते हो, वो है इंडियन, लेकिन वो बाहर काम कर रहे हैं, उनकी कोशिश होगी, मोदी की बल्कि कोशिश होगी कि वो उनको अपने मुल्क में बुलाए और उनके यहाँ पर काम करे। तो इसलिए अब उनका जो बजट है, एक तो वो बढ़ने जा रहा है, इन्वेस्टर आएगा। दूसरा, जब इन्वेस्टर आता है, बड़े बड़े ममालिक आपके साथ मिलकर मुश्तरका प्रोजेक्ट पर काम करते हैं, जैसे रशिया और चाइना मिलकर कर रहे हैं, तो फिर वो आपके स्टेक भी आपके साथ हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर रशिया की जंग को चाइना ने अपनी जंग लिया हुआ है, तो उसने तो चाइना ने हमेशा रशिया को बैक किया है। अब भारत की बैक पर यूरोप पूरा खड़ा होगा, अमरीका पहले भी वो उसके साथ है, अब बड़े पैमाने पर साउथ कोरिया उसके साथ खड़ा होगा, जापान उसके साथ खड़ा होगा, ऑस्ट्रेलिया खड़ा होगा। अब मोदी इसको अपॉर्चुनिटी के तौर पर देख रहा है। देखिए, पाकिस्तान के साथ अगर भारत जंग ना भी करे
तो हम अगले कुछ 200-300-400 साल भारत के करीब ही नहीं जा सकते, यानी वो बहुत आगे जा चुका है। आप उसका मुकाबला तो छोड़िए, आप रेस में ही नहीं है, तो भारत को इससे फायदा क्या होगा? मोदी असल में अब ये चाह रहा है कि मैं पाकिस्तान पर करूं हमला। जब वो इस दफा हमला करेगा तो उसने यही काम साइड से बाधा करना, अपने मुल्क में कुछ ना कुछ तो उसने हमला करवाना, कोई तो चीज करवानी है। उसने अपने मुल्क के अंदर काम ये किया है कि लोगों का जो इस वक्त जॉय है, हैप्पीनेस है, उसको वो आसमान पर ले गए और उनको उन्होंने इस लेवल पर ले गए हैं कि मोदी कुछ भी कर सकते। वह एक नारा है, मोदी है तो मुमकिन है। तो अब जब भारत में कोई हमला होगा जो वो चाहे खुद कराए, तो उन्होंने कहना है कि हमने पाकिस्तान को छोड़ना नहीं। अब वो कह रहे हैं कि हमने कश्मीर लेना है, गिलगित बल्तिस्तान। तो इस मकसद के लिए जब उन्होंने हमला करना है तो सारा यूरोप, आप देखिएगा, भारत को कहेगा तुम ठीक कर रहे हो। पहले उन्होंने कहा था कि नहीं, भारत जब 2019 में हुआ था 2700 के, नहीं यार आप लोग ये काम ना करें, आप ऐसे ना करें, आप फलाना ना करें। पहले उन्होंने ये काम कहा था, अब वो काम करेंगे दूसरा। अब वो कहेंगे कि ठीक है पाकिस्तान दहशतगर्द है, आप बताइए भारत अगर कोई हमला करवा दे, आप 100 दफा इनकार करते रहे कि ये भारत ने खुद करवाया, कौन आपकी मानेगा? बताएं तो सही ना, कौन आपकी मानेगा? ईरान से हमारे ताल्लुकात खराब, अफगानिस्तान से हमारे खराब, इंडिया से हमारे खराब, हमारे ताल्लुकात हैं किससे अच्छे? हमें कोई मुंह भी नहीं लगाता। और देखिए, दुनिया में जो मुल्क मांग रहे होते हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं होती, ना उनको कोई पूछता है। तो भारत अब जो कहेगा, उनके स्टेक्स अब इनके साथ जुड़ गए हैं इस मिशन की वजह से, तो वो तो कहेंगे ठीक है जो भारत कह रहा है वही है। अब ये असल में वो खेल होने जा रहा है जिससे आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि इंटरनेशनल सतह पर जो लॉबिंग फर्म हायर की गई थी, अब वो इतना काम नहीं करेंगी जितना भारत के इस मिशन ने काम कर दिया। अब सारे भारत का मोहताजी का लिबादा उड़े हुए हैं, क्योंकि जो मून लूनर की वो मिशन की जो अब चीजें भारत ने पहुंचानी है वो अमेरिका के पास है। अमेरिका भी मोहताज है, चाइना भी मोहताज है, हम सब मोहताज हैं, क्योंकि वो अब इमेज, अब ये इमेज यहाँ पर साउथ से आया है। इस इमेज को आप देखिए, ये अमेरिका के पास तो नहीं है। अब जाहिर सी बात है हम इसको देख रहे हैं कि इमेज के तौर पर, जब वो दूसरी एजेंसियाँ स्पेस की जो होती हैं या ममालिक है वो इसको और निगाह से देखते हैं, वो इनके रिसर्च पेपर पर काम करेंगे। इनके साइंटिस्ट की किताबें और इनके जो लेक्चर्स हैं वो यूरोप, US और कैनेडा समेत पूरे वर्ल्ड में पढ़ाए जाएंगे, और इनके साइंटिस्ट के बारे में इनके रिसर्च पेपर जाएंगे। तो अब अमेरिका का जो असर और सुख पूरी दुनिया में था उसको टेक ओवर कर रहा है भारत। तो भारत अब इस अपॉर्चुनिटी को कैश करवाएगा कि देखो अब मैंने पाकिस्तान, असल में वो कश्मीर में अब क्यों आना चाह रहे हैं? एक तो वो चाइना का नाटक बंद करना चाहते हैं, नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। दूसरा देखें, उसे चाइना से लड़ना नहीं है भारत ने, उसने कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को पकड़ना ताकि मैं इनका सी पैक बंद करूं, ये उसका प्लान है। और दूसरी तरफ उसने चाइना को डिच देने के लिए कि मैं तुमसे नहीं लड़ूंगा, तुमसे बातचीत होगी लद्दाख के मामले पर, यहां पर ये मैं काम करूंगा। तो दूसरी सूरत हाल ये है कि वो ये चाह रहा है कि अब चाइना को हम नुकसान पहुंचाए, दुनिया मेरी तरफ आए, और वो चाह रहा है कि कश्मीर में हालिया बड़े मिनरल्स निकले हैं और ऐसे वहां पर मादनियात निकले हैं, तो वो कह रहा है कि पाकिस्तान के कश्मीर में भी, क्योंकि लैंड तो एक ही है। अब गौर करें कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, हमारे यहाँ पर लड़कियों का जो स्कैंडल आया था भावलपुर यूनिवर्सिटी का, उसमें क्या सूरत हाल थी? उसमें सूरत हाल यही थी कि आपके मुल्क की इतनी तबाही हो चुकी है कि आपके मुल्क के वहां पर साइंटिस्ट बन गए, यहाँ पर लड़कियों को सुलाया जाता है, शराबें पिलाई जाती है, उनके साथ जना किया जाता है और उनका नंबर दिए जाते हैं। ये आपके मुल्क के अंदर इस तरह का एजुकेशन सिस्टम है, और फिर आपने देख ही लिया कि इस तरह डॉक्टर्स लोगों को मारते हैं। अब यहाँ पर आप देख लें क्या सूरत हाल है और वहां पर क्या सूरत हाल है। भारत इसको कैश करवाएगा, वो ये चाहेगा कि मुझे लैंड चाहिए, लैंड उसने लेना है, हर सूरत लेना है। इस मकसद के लिए वो जंग करेगा और दुनिया भारत का साथ देगी। आपका साथ किसी ने भी नहीं देना, भारत 10 जाली हमले भी कर ले, वो असल में इस दफा जाकर बता कर कह रहा है कि मैंने हमले करने हैं, तो आप पाकिस्तान को मजबूर करें कि ये आगे से रिएक्ट ना करे। आप बताइए कि जिस मुल्क के पास $1 अरब भी अपना ना हो, उस मुल्क की क्या वैल्यू होगी, यानी उसको कौन पूछेगा? अगर भारत ने $75 मिलियन से, जो कि हॉलीवुड की एक फिल्म के बजट से भी कम है, अगर उसने अपना मिशन चांद पर पहुंचा दिया है, तो आप ये बताइए कि हम $25 मिलियन से कम अज़ कम स्पेस से अपने एस्ट्रोनॉट तो बेच सकते थे ना, इतना तो हम कर ही सकते थे कि हम स्पेस में जाते, वो सारा कुछ करते, फिर उसके बाद हम ऐलान करते। आज आप अगर सोचेंगे तो आप अगले 50 साल बाद को फैसला करेंगे जाकर कि हमने जाना है मून पर, फलाना मून, ये वो,
और आप अंदाजा कीजिए इतनी रशिया के पास टेक्नोलॉजी है, 47 साल के बाद भी वो मून पर नहीं जा सका। तो इसका मतलब है कि हम अगले 100 साल तक तो आप भूल ही जाए, वो भी तब जब आपको फैसला करेंगे। तो भारत का अब ये जो सिलसिला होगा वो बड़ा घिनौना होगा, मोदी इसको अपॉर्चुनिटी के तौर पर देख रहा है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।